साल पहले उस जमाने में न गाड़ी थी न मशीनें। लोग अपनी समझदारी, सेहत और ताकत पर भरोसा करते थे। उस समय ज्वालापुर नाम का एक गांव था। वहां कई पहलवान रहा करते थे और कुश्ती जीतकर अपनी सेहत और समझदारी का हर साल खुशी महोत्सव में प्रदर्शन किया करते। वैसे तो ज्वालापुर गांव में कई पहलवान थे, लेकिन दो बड़े हट्टे कट्टे पहलवान हर साल कुश्ती प्रतियोगिता में अव्वल दर्जे पर नजर आते। हर साल जीतू और मंगलू में पहलवानी का युद्ध होता और हर साल मंगलू जीत जाता। जीतू उससे एक बार भी जीत ना सका और मंगलू अपनी ताकत का पूरा प्रयोग करके हर बार जीतू को हरा देता और जीतू हमेशा निराश होकर घर चला जाता। आप निराश हो गए? आप निराश ना होइए और कड़ी परिश्रम कीजिए, आप जरूर सफल होंगे। भगवान पर भरोसा रखिए। अरे पता नहीं मंगलू ऐसा कौन सा परिश्रम करता है जो मैं नहीं कर पाता। वो हर बार मुझे पछाड़ देता है। जरूर जरूर मुझ में ही कोई कमी है। जीतू को परेशान देखकर कुसुम को उस पर बहुत दया आती है और वो जीतू के पहलवान उस्ताद जी के पास जाकर सारी बातें बताती है। तब उस्ताद जी कहते हैं, मैं जानता हूँ कुसुम बेटे, जीतू पूरी मेहनत करता है लेकिन हर बार मंगलू अपने बल से जीतू को मात दे देता है। बल्कि दोनों में शातिर जीतू है। हमने जीतू को कई बार समझाया कि बल का प्रयोग ना करके मंगलू को अपनी समझदारी से हरा, लेकिन जीतू हमारी एक नहीं सुनता। ठीक कहते हैं गुरुजी आप, अब ये है ही इतने जिद्दी, किसी की नहीं सुनते और परिणाम बुरा ही होता है। अरे यही सारी बातें बेटा हम जीतू को कई बार बता चुके हैं, लेकिन जीतू अपनी जिद की वजह से हार जाता है। कुसुम ने उस्ताद जी की बातें सुनकर ठान ली कि जीतू के जिद्दी होने का कुछ तो हल निकालना ही होगा। कुसुम घर जाकर सोचने लगती है कि ऐसा क्या करे जिससे जीतू खुश हो जाए। तो उस दिन कुसुम अच्छे से अच्छा पकवान खिलाकर जीतू का मन बहलाकर उससे कहती है, अरे श्रीमती जी, अब आप ऐसे मसालेदार पकवान बनाकर खिलाएंगी तो मैं कैसे तंदुरुस्त रह पाऊंगा। मुझे जाकर ज्यादा व्यायाम करना होगा और युद्ध में उस मंगलू को हराना ही होगा। हार जीत तो खेल का हिस्सा है। आप बस अपने मन में संयम और धैर्य रखिए, बस खुद पर भरोसा रखिए, फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। कैसे ठीक होगा कुसुम, ये मंगलू का बच्चा मुझे हमेशा ही हरा देता है। जब हम छोटे थे तब मैं पढ़ाई में अव्वल नंबर लाया करता था और ये मंगलू खेल कूद में आगे रहकर मुझसे और आगे निकल जाता था। मंगलू को आपकी कमजोरी पता है, उसे ये पता है कि आप हमेशा चालाकी से काम लेते हैं, इसलिए मंगलू हर बार आपको उकसा कर कुश्ती में जीत जाता है। कुसुम की बात सुनकर जीतू के मन में विचार आता है। जीतू मन ही मन में सोचता है, जैसे खेलकूद मेरी कमजोरी है वैसे ही मंगलू की कमजोरी है चालाकी। वो फुर्तीला तो है पर अपनी अकल का कम इस्तेमाल करता है। और जीतू इस चीज का फायदा उठाने का सोचता है और उस्ताद के पास चला जाता है। प्रणाम उस्ताद जी। अरे बेटा जीतू, यहाँ कैसे आना हुआ? मैं आपसे एक विनती लेकर आ रहा हूँ, उम्मीद है आप मेरी बात जरूर सुनेंगे। अरे क्यों नहीं जीतू बेटा, अगर तुम्हारी बातें अच्छी और काम पूर्वक होंगी तो जरूर सुनूंगा। जीतू उस्ताद जी को कुश्ती मुकाबले के साथ साथ दिमाग का मुकाबला करवाने के लिए भी सलाह देता है। हर साल कुश्ती मुकाबले में दर्शक सिर्फ कुश्ती देखकर उब चुके हैं, क्यों ना हम कुश्ती के साथ एक और दिमागी मुकाबला रखें? दर्शक को कुछ नया देखने को भी मिल जाएगा और मुकाबले का नाम और ऊंचा हो जाएगा। तुम्हारा ख्याल तो बहुत अच्छा है जीतू बेटा, लेकिन क्या इस बात से मंगलू तैयार होगा? मंगलू को मैं समझा दूंगा। उस्ताद जी से दिमागी मुकाबले की बात करके जीतू मंगलू के पास अखाड़े में पहुंच जाता है। क्या हाल है मंगलू भाई, कैसे हो? अरे हारने वाले जीतू, तुम यहाँ हमारे अखाड़े में? अब कहाँ हार कर मुँह काला कर लिया जो हमसे मदद मांगने आना पड़ा। और जीतू मंगलू से उस दिमाग वाले खेल की बात करता है और उसे मनाने की कोशिश करता है।
मंगलू खेल की बातें सुनकर समझ गया था कि दाल में जरूर कुछ काला है। चलो तुम्हारी बात भी मंजूर है, शायद तुम मुझसे इस खेल में जीत जाओ। ठीक कहते हो मंगलू, मैं तुमसे कभी जीता नहीं, लेकिन तुम्हें अपनी ताकत पर कुछ ज्यादा ही घमंड है, तुम्हें ऐसा नहीं लगता? अरे बल है तभी तो घमंड है। इतना सुनने के बाद जीतू वहाँ से चला जाता है और मुकाबले के दिनों का इंतजार करने लगता है। हमेशा की तरह कुश्ती मुकाबले में जीतू फिर से हार जाता है और निराश होकर मन ही मन सोचने लगता है। बस दिमाग वाला मुकाबला हो जाने दो, इस मंगलू के बच्चे को मैं मजा चखाऊंगा। और तभी जीतू के पास मंगलू आकर बोला, अरे तुम्हारा नाम किसने जीतू रख दिया? अरे तुम्हारा नाम तो आरू होना चाहिए था, जीतू नहीं। वो तो अभी मुकाबले के बाद पता चल ही जाएगा। और इसी तरह दूसरा मुकाबला शुरू हो जाता है और जीतू और मंगलू दोनों ही तैयार रहते हैं। इस मुकाबले में तुम दोनों की बुद्धि की दो दो जगह परीक्षा होगी। यहाँ पर दो चुनौतियाँ लगी हुई हैं। दोनों में से जो अव्वल आएगा वो जीत जाएगा। और जैसे ही मुकाबला शुरू होता है दोनों भागकर आगे जाते हैं। भागते हुए दोनों नदी के पास आ जाते हैं। नदी में नाव देखकर मंगलू नाव चलाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी अचानक से जीतू तैर कर नदी पार कर लेता है। नदी पार करने के बाद रास्ते पर कई सारे भेड़िये उन दोनों का रास्ता रोक देते हैं। तब मंगलू उन भेड़ियों को चिल्ला चिल्ला कर हटाने की कोशिश करता है। अरे हट जा, हट, हट जा, हट। तभी जीतू उन भेड़ियों के बीच में से आगे पीछे होकर निकल जाता है और मुकाबले में अव्वल आ जाता है। मुकाबला जीतने के बाद पूरा गांव जीतू को कंधे पर उठाकर बधाई देता है और तब मंगलू जीतू से कहता है, अरे मैं मान गया भाई जीतू तुम्हें, अकल बल से बहुत बड़ी चीज होती है। इतना कहने पर गांव वाले कुश्ती पहलवान मंगलू को भी उठा लेते हैं और दोनों खुद हंसते हैं। तब उस्ताद जी आकर मंगलू से पूछते हैं, अरे चलो मंगलू बताओ, अकल बड़ी या भैंस? वो भैंस।